इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँ, आउट। रमन मैं कभी नहीं। नागिन किस किस को डसेगी, कब तक आग लगाती रहेगी हमारे घर में? निकल जा, दफा हो जा। रमन रमन तू इसको घर से बाहर निकाल दे, जाकर उसी कचरे में फेंका इसे जहाँ से तुम और इशिता इसको उठा कर लाए थे। रमन मैं तुम्हारी बहन हूँ। शकुन तुम्हारा अब यहाँ कोई अपना नहीं है। देखा आदि बेटे, यहाँ पर किसी को हमारी कोई फिक्र नहीं। देखा ना कैसे ट्रीट किया मुझे, धक्के मार के बाहर निकाल। तेरे पापा को ना मेरी फिक्र है ना तेरी। चल आदि बेटा हम यहाँ से चलते, किसी को हमारी कोई परवाह नहीं, हम जाते हैं यहाँ से। बल्ला जी मेरा बच्चा। पर मामा हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी जाएं, हम मर जाएंगे, और यहां से चल बेटे। तो मैं जाऊं? शांत हो जाइए। वो चक्कर शांत हो जाइए। वो दोनों बेटियां एक सनी पांच और दूसरी मेरे होने वाले पति के साथ सो रही थी। सब सो रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। होने दो प्रॉब्लम, माय फुट। नहीं मैं आपका सामान ले चलता हूँ। मेरे सामान को हाथ भी मत लगाना, चले जाओ यहाँ से। क्या क्या शोर मचा रखा है तुमने? ये बांझ मुझे समझाने आएगी? खुद के बच्चे तो होते नहीं, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। यही हिम्मत रह गई तुम लोगों की? सिक्योरिटी वाले को फोन करती, इज्जत की बात करते हैं। मैं चीफ, ये बांझ मेरे एक्स हस्बैंड के गले पड़ गई और दूसरी शव के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शगुन और वार्न भंडर है, ये वार्न भी बोल आप। बस बस बहुत हो गया शगुन, अब गेम्स बंद करो तुम अपने। गेम्स? मैं गेम्स खेल रही? और भूल गई जो गेम्स तुमने खेली थी? मिसेस भल्ला के साथ मिलके रेस पे बड़े नाटक किए थे ना, मीठी मीठी बातें की थी तुमने। What do you think? I'm stupid. मेरे समझ में नहीं आता, हाँ? यहाँ से जाओगी या सब धक्के मार के निकाले तुम्हें बाहर? अरे किसको धक्के मारने की बात कर रही हो? और कौन धक्का मारेगा? ये नामर्द जो बाप नहीं बन सकता। या फिर ये जो मायके में पड़ी हुई है? Shut up, Shagun! Shut up! बंद करो अपने ड्रामे यहाँ पे, बंद करो तमाशे। तमाशा मैंने किया है तमाशा, और तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया तुमने।
मजाक बना के रख दिया है तुमने मेरा। तो ये सब जो तुम्हारे पास है ना, मेरा था। हाँ ना, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। ये मेरा घर है, मेरा परिवार, ये मेरे पति है। मेरा पति मेरा पति लगा के रखा है। एक दूसरे को कभी आई लव यू भी कहा है? कभी जुआ भी है एक दूसरे को? It's not even touched you. और मेरे पति के बीच में क्या होता है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम बीच में कुछ बोलो, समझी? बोल दिया तुमने, सुन लिया मैंने। अब अगर मेरी बीवी को एक लफ्ज भी और बोला, मैं सारी हदें पार करता हूं। और आई प्रॉमिस यू, यू विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा परिवार है, इसके आगे मैं खड़ा हूं। आवाज़ हो यहाँ से, आउट। तुम सबने के मुझे इस घर से तो निकाल दिया, लेकिन अपने बेटे का क्या करोगे? तरस जाओगे आदि से मिलने के लिए। तुम सबको देख लूंगी, मैं सबको देख लूंगी। मुझे इस घर से निकाल रहे हो, आना अभी आदि से मिलने दिखाऊंगी तुम्हें। तमाशा देख रहे हो? जाओ अपने अपने घर। आ जाते हैं दूसरों का तमाशा देखने वाले। उसकी बकवास का ध्यान मत दे। What the hell? क्या बकवास है? रमन ने आदि के कस्टडी के लिए फाइल किया है? What is all this rubbish? उन्होंने क्लेम किया है। अगर आप चाहें तो इस क्लेम के अगेंस्ट कोर्ट में फाइट भी कर सकती हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आउट ऑफ द कोर्ट रमन सर के साथ सेटलमेंट भी कर सकती हैं। Nonsense. इसमें नॉनसेंस की क्या बात है? रमन सर को लगता है कि आप आदि की परवरिश ठीक तरीके से नहीं कर सकती है। That's it. अब बाकी का जो भी फैसला होगा वो अब अदालत तय करेगी। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे? रूही को छीन लिया, तो आदि को भी मुझसे छीन लोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ना रुलाऊंगी तुम्हें, ऐसा नचाऊंगी कि कभी भूल नहीं पाऊंगी। रूही की कस्टडी ने तुम्हें और इशिता को एक किया था ना, अब देखना कैसे आदि की कस्टडी तुम दोनों को